डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बात की, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा मौजू है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशल फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट, ख़ास तौर पे जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के बारे में जानना चाहते हैं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के बारे में एक्सप्लोर करना चाहते हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंफॉर्मेटिव सेशन विल डेफिनेटली बी फॉर देम. सो डॉक्टर साहब, कमिंग बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को ये बताइए कि फिनटेक की हमने बात की अपने इंट्रोडक्शन में भी, सो व्हाट दिस एक्चुअली फिनटेक इज. बेसिकली फिनटेक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड व्हिच इज कॉल्ड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी. सो इट गेट द फिन फ्रॉम फाइनेंस एंड टेक फॉर टेक्नोलॉजी. फिनटेक बहुत ही नया वर्ड नहीं है. दिस वॉज कॉइन समवेयर इन 1992 बाय सिस्को सिस्टम, लेकिन ये पॉपुलर हुआ है 2012 के बाद. एंड दिस इज द रीजन व्हाई इट इज चेंजिंग द होल फाइनेंशियल सिस्टम, बिकॉज पीपल आर बिकमिंग मोर एंड मोर टेक सेवी एंड दे आर यूजिंग मोर एंड मोर टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर टू डू देयर फाइनेंशियल सर्विसेज. अगर हम कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो फिनटेक इज नथिंग बट यूजिंग टेक्नोलॉजी टू मैनेज आवर फाइनेंस, टू डू आवर बैंकिंग सर्विसेज, टू डू एनी टाइप ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि मनी ट्रांसफर की बात कर लें, इन टर्म्स ऑफ सेविंग्स की बात कर लें, इन्वेस्टमेंट की बात कर लें. और सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है फिनटेक का कि आप कोई भी फाइनेंशियल सर्विसेज जो है कहीं से भी बैठ के कर सकते हैं. बस आपके पास से इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, मे बी लैपटॉप और स्मार्टफोन होना चाहिए. द होल पर्पस ऑफ फिनटेक विच इज रेवोल्यूशनाइजिंग द फाइनेंशियल सर्विसेज इज बिकॉज टेक्नोलॉजी इज इम्प्रूविंग द वे वी बैंक एंड वी डू द सर्विस.